जाति जनगणना आखिर इतनी जरूरी क्यों है? संघ ने दी हरी झंडी, क्या जाति जनगणना होकर रहेगी? सामाजिक समानता अधूरी, जाति जनगणना से होगी पूरी? जातियों का हिसाब तो कल्याण का रास्ता साफ। जाति जनगणना का राहुल राग, संघ बीजेपी ने ढूंढी कार। ये तमाम जो पांच मुद्दे हैं, जो सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं, ये सवाल भर नहीं है, ये जाति जनगणना को लेकर ही सियासत का पूरा सार है। ये सियासत आपको समझाऊंगी, उससे पहले आपको देश में आरक्षण को लेकर एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देती हूं। 1882 विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने भारत के लिए आरक्षण नीति की अवधारणा की थी। फिर आपको लेकर चलती हूं 1932, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार नाम के तहत आरक्षण नीति की स्थापना की थी। फिर 1990 मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी भी आरक्षण के दायरे में आ गए। 2006 अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत 15% सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण। फिर 2019 के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की शुरुआत। 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में शुरू होने वाले स्नातक और स्नातक चिकित्सा दंत चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की। अब इनमें से कहीं कोई शक नहीं कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज की एकजुटता को हमेशा प्रभावित किया है। और अगर ऐसा है तो ये यूं ही नहीं, आखिर कोई भी इंसान अपने आप को सिर्फ अपने जन्म के आधार पर किसी से कम क्यों मान ले? क्योंकि अपने जन्म से ही किसी दूसरे के मुकाबले बुनियादी चीजों के लिए सिर्फ जाति के नाम पर क्यों अलग थलग रहे? और जब तक ऐसा करने वाले अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। पर यह भी उतना ही सच है कि सियासत ने जातियों के वर्गीकरण को जितना कमजोर नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा गोलबंदी ने जातियों को एक वोट बैंक की तरह डेवलप किया है, और वो आपके सामने है। और इस वोट बैंक का फायदा सब उठाना चाहते हैं, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आज शायद हम इसीलिए आज बात कर रहे हैं। सवाल नियत पर नहीं, लेकिन नीतियां कटघरे में जरूर खड़ी होती हैं और नीतियां बनाने वाली।